गाइस दिस जुडितिया एंड वेलकम बैक टू फिट एंड ग्लैम शो। सो टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ। सो यस, मैं अपने हेयर को कलर करने वाली हूँ। मैंने कलर सब कुछ ऑर्डर कर रखा है। सो आई थॉट कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस टाइप की वीडियो देखने के लिए कि हेयर कलर मैं कैसे करने वाली हूँ और मेरा हेयर कलर कैसा दिखेगा, सो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वो रेड बटन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए हैं लॉरियल पेरिस के। इसमें मैंने कैरेमल ब्राउन किया है, इसमें डार्क ब्राउन आता है, ब्लैक कलर आता है। आपको जो हेयर कलर करना है, पूरे हेयर को कवर करना चाहती हूँ मैं कलर से, इसलिए मैंने दो ऑर्डर करे हैं। एक पैक आपके लिए सफिशियंट रहेगा अगर आप हाईलाइट करने मांग रहे हैं, मतलब कहीं 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 ऐसे कर। मुझे पूरा ग्लोबल चाहिए, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर टू पैक्स। पहले मैं आपको टाइनी सा रिव्यू दे देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये मैंने कितने में परचेस किया हैगा, देन वी विल जंप ऑन द डेमो पार्ट। सो गाइस, दिस इज लॉरियल पेरिस कैरेमल ब्राउन हाइलाइट्स, नेचुरल डार्क हेयर के लिए है। न्यू एक्सपर्ट ब्रश, एक्सीलेंस फैशन हाइलाइट्स, अल्ट्रा ग्लैमरस हाइलाइट्स फॉर फैशनेबल हेयर। इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, इस टाइप की पॉलिथिन में कवर है। सबसे पहले मैं इस पॉलिथिन को रिमूव कर दूंगी। ऑर्डर किया है वो कलर हैगा कैरेमल ब्राउन। इसके पीछे पूरा मेंशन किया गया है कि आपको इसको यूज कैसे करना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एमआरपी, तो इसके ऊपर मेंशन किया गया है 350 रुपीज का है ये। इफ यू बाय ऑनलाइन अगर आप परचेस करेंगे तो आपको चीप पड़ेगा, 262 रुपीज का एक पैक पड़ेगा, और मार्केट एमआरपी जो है वो 350 रुपीज का है। काफी अच्छे रीजनेबल डिस्काउंट में आपको अमेजोन से मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो देन यू कैन चेक आउट। सो इसके अंदर आपको एक मिल रहा है एक्सपर्ट ब्रश, जिससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं अभी आपको यूज करके बताऊंगी। आपको यहाँ पर मिल रहा है एक डेवलपर, उसके संग आपको ये कलरेंट मिल रहा है, ये कंडीशनर मिल रहा है, एंड देन यू आर गेटिंग दिस ग्लव्स। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ डेवलपर और उसके साथ मैं ले रही हूँ ये कलरेंट क्रीम। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मैं दोनों पैक यूज कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स इट वेरी वेल, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको हेयर पे लगाऊंगी। फिर आपको पहन लेना है ये ग्लव्स, ये पॉलिथिन ग्लव्स इसके संग ही आते हैं, तो ये ग्लव्स आपको पहन लेना है। एंड जस्ट डिटेंगल योर हेयर कॉम्ब करने के बाद। आपको इसी डर्टी टी शर्ट पहन लेना, क्योंकि ये यहाँ वहाँ मैशी हो जाता है लगता हैगा। मेरे पास जो अप्लाई करने वाला ब्रश हैगा वो मेरे पास उस टाइम पे नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टूथ ब्रश। अब यहाँ पर अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये एक्सपर्ट ब्रश जो इसके संग आता है, तो आप इस वे में कर सकते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी हाई में चल रही है, बट स्लोली स्लोली पेशेंसली करना, आप इसको पेशेंस में रहकर आप इसे करना। और अभी जो बेबी हेयर रहते हैं तो आप उससे बेबी हेयर को इससे कवर कर सकते हैं टूथ ब्रश से। ये एक टाइप का हैक हैगा, एक ट्रिक हैगी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने खुद ने पहली बार ट्राई करा था एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से लग गया था। एंड नाउ मैं अपने हेयर को पार्टीशन लेकर इस टाइप में हैंड से कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे ब्रश नहीं था। मैंने बाहर निकाल लिया था, उसके बाद अगर मैं परचेस करने जाती तो काफी टाइम लग जाता, दैट्स व्हाई मैंने सोचा चलो इट्स अवॉइड। और इस टाइप में मैं पार्टीशन लेकर स्लोली स्लोली इसको कवर कर लूंगी। और मैं अपने बेबी हेयर को इस ब्रश से कवर कर रही हूँ। आफ्टर 45 मिनट्स जस्ट रिंस योर हेयर, और उसके बाद कंडीशनर करना, शैम्पू यूज नहीं करना है। सो गाइज, आफ्टर अप्लाइंग 45 मिनट्स के बाद ये रहा मेरा कुछ रिजल्ट, जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और ये रहा रिजल्ट आपके सामने। कहीं कहीं पे मेरे बाल ब्लैक रह गए हैं, जैसे मैं आपको शो करती हूँ, अंदर कहीं ना कहीं रह गए हैं, कहीं कहीं पे हो गए हैं, तो मतलब इस टाइप का मिक्सिंग में आया है। और ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी मालूम पड़ा है कि मैं किस टाइप में कर सकती हूँ और क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, ये आपके सामने है। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस कलर एट होम, यू कैन गो अहेड, बिकॉज ब्रांड अच्छा है। अभी तक मैंने जितनी बार भी कलरिंग कराई है वो मैंने पार्लर में कराई है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई डिड एट होम। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और अभी शायद आपको कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा हो, ये क्राउन एरिया जो रहता है यहाँ पर कलर ज्यादा चढ़ता है, क्यों, एज कम्पेयर टू नीचे यहाँ के बाल से, बिकॉज यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हीटनिंग पार्ट होता है।
हमारा हेड ज्यादा गर्म होता है इसलिए यहाँ पर जल्दी से कलर चढ़ जाता है और यहाँ पर कलर चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और आज मैंने जो कलरिंग करी है उसमें मैंने आपको एक जुगाड़ भी बता दिया कि अगर आपके पास ब्रश नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था तो जुगाड़ हमने ये करा, तो आप टूथ ब्रश से भी इसको कलर कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये बेबी हेयर रहते हैं ना, इससे कलर हाथ से भी नहीं हो पाता, वो उस वाले ब्रश से बहुत अच्छे से हो जाता है टूथ ब्रश से। मैं बिटवीन हूंगी, मतलब मैं बहुत ज्यादा भी खुश नहीं हूंगी कि एकदम से बहुत एक्सट्रीम वे में अच्छे से आया है, और बिल्कुल बुरी तरीके से भी नहीं आया है कि ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कहीं जा नहीं सकती हूँ। हाँ, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो है उसमें मैं खुश हूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।